सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं भाई GTA 5। और भाई माइकल दादा की एज तो काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन भाई हमने उन्हें रेडी कर दिया है बिल्कुल कॉलेज बॉय की तरह। और अभी हम भाई इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं किसी IT कंपनी में। सो अभी देखते हैं भाई हमारे पास कौन सा व्हीकल मिलता है यहाँ पर। अब भाई ये गाड़ी मिल गई पार्किंग में, पहले ही से ही चक लेते हैं यहाँ से। गाड़ी तो बड़ी मस्त है भाई, लाल रंग की दिखने में। तो सो भाई अभी अभी हमारे पास लेस्टर का कॉल आ गया था, और लेस्टर ने हमें मिशन बारे में बता दिया है। जेम नोरन नाम का कोई बंदा है, उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर हमें जाना है। और भाई एक चिप है एक मशीन के अंदर, हमें उस चिप को फिट करना है और वहां से निकलना है। मिशन तो बिल्कुल सिंपल होने वाला है, लेकिन भाई अभी माइकल दादा है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं, क्योंकि भाई माइकल दादा है उन्होंने एक बहुत बड़े गैंगस्टर के साथ पंगा ले लिया। और भाई वो गैंगस्टर ने भाई वो माइकल दादा की पूरी फैमिली को मारने की धमकी देकर गया है, और कहा है कि तुम्हें मुझे $2.5 बिलियन देने होंगे, वरना मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को माइकल मार डालूंगा। भाई माइकल दादा अभी काफी टेंशन में है, और वो अभी इस कंपनी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई हमें कहां पर उस चिप को फिट करना है। you know, तो भाई अभी अभी हमने इस ग्रीन टी शर्ट वाले बंदे से बात की है, इसने कहा है कि मेरे कंप्यूटर में कुछ वायरस आ गया है, तुम उसे ठीक कर दो। और भाई इसे लगता है कि हम इसी कंपनी में काम करने वाले कोई एम्प्लॉय हैं। तो भाई चलो ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि भाई किसी को हमारे ऊपर शक बिल्कुल भी नहीं होगा इससे। तो भाई हमने उसके कंप्यूटर को ठीक कर दिया है, अब हम जाते हैं भाई उस रूम के अंदर। भाई यही वो रूम है, और यहाँ पर ही भाई होना चाहिए वो डिवाइस, भाई इसी के अंदर है भाई ये एक मोबाइल फोन है भाई, इसके अंदर हमें चिप को फिट करना है। तो बैग में से निकालते हैं जल्द से जल्द, ये तो अजीब सी चिप सी है भाई लेस्टर ने दी है। लेस्टर बहुत बड़ा हैकर है, वो जरूर पता नहीं कुछ ना कुछ तगड़ा ही प्लान कर रहा होगा। सो अभी यहाँ से निकलते हैं जल्द से जल्द। भाई मुझे तो इस IT सेक्टर के ये भाई जो बनते हैं वो मुझे थोड़े पागल पागल से लग रहे हैं भाई इस कंपनी के हैं। और लेस्टर को कॉल कर बता देते हैं कि हमने भाई उसका काम है वो कर दिया है, और अभी चलते हैं हम वापस माइकल दादा के घर पर। तो भाई अभी अभी हमारी लेस्टर से बात हो चुकी है, और भाई जो जेम नोरन है जिसकी कंपनी में हम अभी अभी वो चिप फिट करके आए हैं, उसका इंटरव्यू होने वाला है। तो अभी हम टीवी पर उसका इंटरव्यू चेक करते हैं। भाई बाप बेटी की तो बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई भाई, माइकल दादा ने भाई बहुत जबरदस्ती उसके रिमोट छीना है भाई। ये तो एक घटिया सा शो देख रही थी, फेम और शेम। सो भाई ये है जेम नोरन भाई, जिसी की भाई उस सेल फोन में हमने उस डिवाइस को फिट किया है। अभी देखते हैं क्या होने वाला है। लेस्टर ने बोला था तब वो इंटरव्यू दे, तो अभी हमें उसके पास कॉल करना है। सो उसका नंबर है भाई, वो भी हमें लेस्टर ने दिया था। तो अभी इसके पास हम कॉल करते हैं जेम नोरन के पास, और भाई इसके पास कॉल आ रहा है, तो अभी ये कॉल उठाएगा भाई इंटरव्यू। अब भाई लेस्टर भाई कितना हरामी बंदा है, उसने भाई सरेआम एक बंदे को उड़ा दिया भाई, कितने दिमाग से मारा है, किसी को शक भी नहीं होगा भाई ये कैसे हुई है डेथ। सबको ये लगेगा ये मोबाइल डिवाइस था, उसी में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से फट कर जेम नोरन की हत्या हुई है। कितने शातिर तरीके से मारा भाई लेस्टर ने। सो अभी लेस्टर से बात करते हैं कि भाई हमने उसका काम तो कर दिया भाई, हमने सोचा नहीं था किसी बंदे को ऐसे टपकाना पड़ेगा। लेकिन भाई अभी लेस्टर से बात करते हैं कि भाई वो हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाले, हमें भाई मार्टिन मद्रासो से बचना भी पड़ेगा। सो अभी अभी भाई हमने लेस्टर से बात की है, और भाई लेस्टर ने कहा है कि तुम जल्द से जल्द तैयार होकर आ जाओ अच्छे कपड़े पहनकर, और फिर हम तुम्हारे लिए प्लानिंग करते हैं। सो गाइस अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।